दोस्तों, मैथ, रीजनिंग, जीके और सरकारी जॉब से रिलेटेड कोई भी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को इस रेड वाले सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को दबाना मत भूलें, जिससे आपको मिले हमारे सारे अपडेट सबसे पहले। देखो यार, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ सरकारी नौकरियाँ आती हैं और चली जाती हैं। कब आती हैं, कब चली जाती हैं, उनका पता भी नहीं चलता। लोग सेलेक्ट भी हो जाते हैं और लोग नौकरी पा भी जाते हैं, पर आपको उनका पता भी नहीं चलता है। और ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि आपके पास क्या है ना, कुछ दो तीन चुनिंदा वेबसाइट्स हैं, जैसे सरकारी रिजल्ट हो गया, सरकारी एग्जाम हो गया, वहीं पर आप जाते हैं। उसके अलावा और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उनको आप मिस कर देते हैं। तो यार, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हम आपको इस चैनल पर काफ़ी सारी ऐसी न्यूज़ देते रहते हैं, काफ़ी सारी ऐसी छोटी छोटी वैकेंसी के बारे में बताते रहते हैं, जिसके एलिजिबल आप हैं, जिसकी वैकेंसी आई हुई है, पर उसका पता आपको नहीं चल पाता है। तो यार, टेंशन बिल्कुल मत लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी कोई वैकेंसी छूटने वाली नहीं है जिसकी योग्यता आपके योग्यता के इक्वल है। तो दोस्तों, जैसे कि आज के वीडियो पे आते हैं, तो जो आज की वीडियो है उसमें हम बताने वाले हैं राजस्थान हाई कोर्ट के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि इस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट का कुछ ज़्यादा ही लोचा चल रहा है, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। राजस्थान हाई कोर्ट की एक वैकेंसी आई है और इस वैकेंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टोटल 2309 वैकेंसी है और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 27 मार्च 2018 है। मतलब अभी एक महीने आपके पास है, टेंशन की कोई बात नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं www.sso.rajasthan.gov.in, इस वेबसाइट पर जा करके, आप ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जा करके आप फॉर्म को देख सकते हैं, वहाँ पर इसको भर सकते हैं। पोस्ट का नाम जो है वो भी क्लास 4 दिया गया है और पोस्ट की जो संख्या है वो 2309 है और यहाँ पर जो वेतन है वो 12,400 रुपये है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यार यहाँ पर 12th है, मतलब ये 12th वालों के लिए है। और 12th वालों के लिए क्यों रखा गया ये मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि क्लास 4 है तो यार 8th या 10th होना चाहिए था, पर 12th रखा गया, कोई बात नहीं। जो भी 12th वाले हों आप जाकर भर सकते हो। और जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो मेरिट के आधार पर किया जाएगा। यार इलाहाबाद हाई कोर्ट हो गया, कोई भी हाई कोर्ट हो गया, मेरिट ही चलता है हर जगह। इसके बाद एज लिमिट की बात करें तो 18 से 35 वर्ष है और एज रिलैक्सेशन भी मिल सकता है अगर आप ओबीसी हैं, जनरल सॉरी एससी हैं, एसटी हैं। इसके अलावा आप जो छोटी बहुत जानकारी है, जैसे एप्लीकेशन फ़ी हो गई वो 100 रुपये है, एससी एसटी वालों के लिए 60 रुपये, तो बहुत कम फी है, आप जाकर भर सकते हो आसानी से। जो मोड ऑफ पेमेंट है वो भी ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं पेमेंट कर सकते हैं। आवेदन की तिथि है वो 12 फरवरी से ही स्टार्ट हो गई थी, आप देख सकते हैं ये जो नोटिफिकेशन है 12 फरवरी को ही आ गई थी, पर मुझे जाकर करने सोची आप लोग को पता नहीं कब मिलती। और जो आवेदन की अंतिम तिथि है वो 27 मार्च 2018, पहले बता चुका हूँ। और जो इंपॉर्टेंट लिंक यहाँ पर दिए गए हैं आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इसी बारे में आपको बताने वाला था, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाहता था और क्यों बताना चाहता था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। और अभी के लिए बब्बा है, वेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।